अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम नई कहानी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान, दिलचस्प और सबक आमोज कहानी है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का उन्वान है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द फेंस एंड द नील्स। द फेंस एंड द नील्स, फेंस यानी बाड़। बाड़ उसको कहते हैं घर के चारों तरफ या बाग के चारों तरफ अक्सर लकड़ी के तख्तों से या फिर बांस से या फिर तार से घेराव कर दिया जाता है, तो उसे फेंस कहा जाता है। ठीक है। नेल्स यानी कील। देयर वॉज अ यंग बॉय हु हैड अ नैस्टी टेम्पर। देयर वॉज अ यंग बॉय हु हैड अ नैस्टी टेम्पर। एक छोटा लड़का था हु हैड अ नैस्टी टेम्पर, जिसका गुस्सा बहुत खराब था। नास्टी यानी गुस्सा, सॉरी खराब। टेम्पर यानी गुस्सा। उसका गुस्सा बहुत खराब था, यानी बहुत जल्द गुस्सा हो जाता था और उसको अपने गुस्से पर काबू नहीं था। ठीक है। इफ ही डिडंट गेट द करेक्ट सोल्यूशन टू अ मैथ प्रॉब्लम, अगर उसको सही हल नहीं मिलता था रियाजी के मसलों का, करेक्ट यानी सही, सोल्यूशन यानी हल, टू अ मैथ प्रॉब्लम, मैथ सब्जेक्ट है, रियाजी, प्रॉब्लम यानी मसला, अगर उसको रियाजी के मसलों का सही हल नहीं मिलता था, ही वुड टेयर अप द शीट ऑफ पेपर, तो वो फाड़ देता था। टेयर अप, फाड़ देता था, शीट यानी वर्क, पेपर यानी कागज, तो वो कागज के वर्क को फाड़ देता था। एंड और थ्रो हिज बुक एंड पेंसिल, और अपनी किताबों और पेंसिल को फेंक देता था। इफ ही डिडंट विन अ गेम ऑफ बैडमिंटन, अगर वो बैडमिंटन का गेम नहीं जीतता था। ठीक है। डिडंट विन यानी नहीं जीतता था। He would refuse to play further. तो वो मजीद खेलने से इनकार कर देता था। Refuse यानी इनकार करना, further यानी मजीद, play यानी खेलना। तो वो अगर वो गेम में हार जाता था तो वो क्या करता था कि खेलने से इनकार कर देता था, क्या और नहीं खेलेगा। And hurled his racket aimlessly. और अपना जो racket होता था जिससे badminton खेला जाता है उसको इधर उधर फेंक देता था, जोर से, जोर से फेंकना, हर्ल यानी जोर से फेंकना। एमलेसली यानी इधर उधर। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरी ट्रिक टू ब्रिंग हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल। उसके वालदैन ने कोशिश की, हर तरकीब लगाकर कोशिश की, देख ली, टू ब्रिंग हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल, उसके गुस्से को काबू में करने की हर तरकीब कर डाली उन लोगों ने, उसके वालदैन ने, लेकिन क्या हुआ, डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, उसकी तवज्जो हटाने की, कजोलिंग, बहलाने की, फुसलाने की। ठीक है। बहलाना फुसलाना, कजोल यानी बहलाना फुसलाना, स्कोल्डिंग यानी डांटना डपटना, डांटना, और यहां तक कि उन लोगों ने धमकी भी दी, थ्रेटनिंग यानी धमकी देना। तो उन लोगों ने हर तरह से, उसके वालदैन ने हर तरह से कोशिश की, सारी तरकीबें लगा ली, उसकी तवज्जो हटाने की और उसको बहलाने की, फुसलाने की, डांट कर भी देखा उसको, और यहां तक कि धमकी भी दी, लेकिन क्या हुआ, बट नथिंग वर्क, लेकिन कुछ काम ना आया। ठीक है। वन डे हिज फादर गेव हिम अ बैग, एक दिन उसके वालिद ने उसको एक थैला दिया। ठीक है। बैग यानी थैला। एक दिन उसके वालिद ने उसको एक थैला दिया और उन थैलों में क्या था, कीलें थी। ठीक है। कील, नेल्स, एंड सेड, और कहा,
एवरी टाइम योर टेम्पर गेट्स आउट ऑफ हैंड, जब कभी तुम्हारा गुस्सा आपे से बाहर हो जाए, गेट्स आउट ऑफ हैंड यानी आपे से बाहर हो जाए। जब कभी तुम्हारा गुस्सा आपे से बाहर हो जाए तो क्या करना, यू मस्ट हैमर अ नेल इनटू द गार्डन फेंस। तो तुम क्या करना, गार्डन के फेंस पे बागीचा का जो बाड़ है वहां जाकर एक कील ठोक देना, हैमर यानी ठोकना, कील ठोकना। नेल यानी कील और गार्डन फेंस यानी बाग का बाड़। द बॉय गॉट टायर्ड ऑन द फर्स्ट डे ड्राइविंग 53 नेल्स इनटू द फेंस। वो लड़का थक गया, पहले दिन वो थक गया क्योंकि उसको 53 कीले ठोकनी पड़ी बाड़ में। ठीक है, इतना गुस्सा आया उसको, इतनी बार गुस्सा आया और जितनी बार उसको गुस्सा आया वो जाकर फेंस में कील ठोकता रहा और इस तरह से उसने 53 बार जाकर बाड़ में कीले ठोकी और थक गया। द नंबर ऑफ नेल्स ही ड्रोव इंक्रीज्ड डेली फॉर अबाउट अ वीक। उसने कीलों की तादाद बढ़ती गई, ही ड्रोव यानी ठोका, जितना कील ठोका, इंक्रीज्ड यानी बढ़ गया। डेली हर रोज जो है वो कीलों की तादाद बढ़ती गई, करीब करीब एक हफ्ता तक जो है वो कीलों की तादाद जो वो ठोक रहा था जा जाकर फेंस में, उसकी तादाद बढ़ती गई। आफ्टर विच उसके बाद क्या हुआ, एक हफ्ता तक तो वो कील जो ठोक रहा था उसका, उसकी तादाद बढ़ती गई, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर विच इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, लेकिन उसके बाद घटना शुरू हो गया। डिक्रीज यानी घटना, घटना शुरू हो गया। बट मार्जिनली, लेकिन मामूली तौर पर या बहुत कम। ठीक है, पहले तो बढ़ा, शुरू में तो उसको बहुत गुस्सा आता था, तो जितनी बार उसको गुस्सा आता था वो जाकर फेंस में कील ठोकता था और एक हफ्ता तक उसका इसी तरह से चलता रहा, लेकिन एक हफ्ता के बाद जो है वो उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत कम। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले चंद दिनों में ही ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिज टेम्पर। अगले चंद दिनों में उसने क्या किया, अपने गुस्से पर काबू पाने की शदीद कोशिश की, ट्राइड हार्ड यानी शदीद कोशिश की, टू कंट्रोल यानी काबू पाना। अगले चंद दिनों में उसने शदीद कोशिश की अपने गुस्से पे काबू पाने की, सो दैट ताकि ही वुडंट गेट टायर्ड, ताकि वो ना थके हैमरिंग नेल्स, और मजीद वो जो है कीलें ठोक कर वो ना थके, इसीलिए उसने अपने गुस्से पर ही काबू पाने की कोशिश की। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ नेल्स ही हैमर्ड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता, द नंबर ऑफ नेल्स जो कीलों की तादाद थी जो वो ठोकता था जाकर फेंस में, वो घटना शुरू हो गया, रिड्यूस यानी कम होना या घटना, सिग्निफिकेंटली यानी अच्छा खासा या अच्छा खासा या नुमाया तौर पर। ठीक है, द बॉय नाउ रियलाइज्ड दैट, अब उस बच्चे को एहसास हुआ, रियलाइज यानी एहसास होना, कि इट वॉज इजियर, ये आसान है, टू कंट्रोल हिज टेम्पर, गुस्से पे काबू पाना आसान है, बनिस्बत इसके के बार बार जाकर कील ठोका जाए। ठीक है, बाड़ में जाकर कील ठोकने से आसान है कि अपने गुस्से पे काबू कर लिया जाए। ठीक है, वन फाइन इवनिंग, एक खुशगवार शाम, ठीक है, ही वेंट अप टू हिज फादर, वो अपने वालिद के पास गया एंड टोल्ड हिम,
और उनसे कहा दैट ही हैड नॉट ड्रिवन अ सिंगल नेल दैट डे, कि आज उसने कोई भी कील नहीं ठोका है. ही एक्सपेक्टेड हिज फादर टू पैक हिज बैग, उसने उम्मीद लगाई अपने वालिद से. एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद लगाई, किस बात की उम्मीद लगाई, कि उसके वालिद उसका पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी देंगे. ठीक है, पैट यानी थपथपाना, बैक यानी पीठ. इंस्टेड, लेकिन पीठ थपथपाने के बजाय क्या हुआ, उल्टा हो गया. हिज फादर सजेस्टेड, उसके फादर ने मशवरा दिया, तजवीज की, के इंस्टेड यानी के बजाय, पीठ ठोकने के बजाय, के बजाय. नाउ पुल आउट वन नेल फॉर एवरी डे दैट यू आर एबल टू रिमेन काम एंड कीप योर टेम्पर अंडर चेक. अब क्या करो तुम, अब जिस दिन भी तुम्हारा गुस्सा शांत रहे और तुम अपने गुस्से पे काबू पालो, तो उस दिन क्या करना, एक नेल वो फेंस से निकाल लेना बाहर. ठीक है, नाउ पुल आउट यानी निकाल लेना, एक नेल, वन नेल, एक कील निकाल लेना. जिस दिन देखो कि आज तुमको गुस्सा नहीं आया है और तुमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है, उस दिन क्या करना, जा करके एक कील निकाल लेना. ठीक है, कीप योर टेम्पर अंडर चेक यानी काबू पाना, अपने गुस्से पर काबू पाना. डेज एंड वीक्स फ्लू बाय व्हेन वन फाइन इवनिंग द बॉय saw अ नेल फ्री गार्डन फेंस. दिन और हफ्ते गुजरते गए, फ्लू बाय यानी गुजरते गए, जब उसने देखा एक शाम, एक खुशगवार शाम उसने देखा लड़के ने कि गार्डन में, गार्डन के फेंस में एक भी कील नहीं है, नेल फ्री यानी नेल से खाली है, कीलों से खाली है वो गार्डन. ठीक है, गार्डन का फेंस. ही रैन टू टेल हिज फादर अबाउट इट, और वो दौड़ा अपने वालिद से इसके बारे में बताने के लिए कि आज जो है फेंस में, बाड़ में एक भी कील नहीं है, यानी कि उसने सारी कीलें निकाल ली हैं और वो अपने गुस्से पर काबू पाना सीख गया है और इस तरह से उसने सारी कीलें निकाल ली हैं, एक भी कील नहीं है अब फेंस में, फेंस कीलों से खाली है बिल्कुल. ये कहने के लिए वो अपने वालिद के पास दौड़ा. बोथ वॉकड अप टू द फेंस, और उसके वालिद और वो दोनों बाड़ की तरफ आए, फेंस की तरफ आए. द सन सेड, लड़के ने कहा डैड आर फेंस इज फ्री ऑफ ऑल द नेल्स. डैड, वालिद, आज फेंस कीलों से खाली है बिल्कुल. बट सन, द फेंस इज नॉट द सेम, तो वालिद ने कहा बेटे बार लेकिन अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं है. सेम यानी पहले की तरह. क्यों, क्या हुआ, अब क्या फर्क आ गया है फेंस में, पहले की तरह क्यों नहीं है. लुक एट द होल्स, उन सुराखों को देखो, होल्स यानी सुराख, उन सुराखों को देखो. वालिद ने कहा कि उन सुराखों को देखो, उसने पहले तो कहा कि ये पहले जैसा नहीं है फेंस, अभी लेकिन क्या फर्क आया है, उसमें होल्स हो गया है, सुराख हो गया है. द फादर सेड, द बॉय बेंट डाउन, लड़का झुका, बेंट डाउन यानी नीचे झुका. विद अ पेन्ड लुक, उदास होकर. ठीक है, एंड नॉडेड, सर हिलाया, हिज हेड, अपने सर को ऐसे हां में हिलाया, फीबली यानी धीरे से. उसने देखा कि मायूस होकर वो नीचे की तरफ झुका और क्या किया, अपने सर को ऐसे हां में हिलाया. ठीक है, कि वालिद जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है. हिज फादर कंटिन्यूड, उसके वालिद ने जारी रखा, यानी बातों का सिलसिला उन्होंने जारी रखा. कंटिन्यूड यानी जारी, और यहां पेंड लुक यानी अफसोस भरी निगाह, अफसोस भरी निगाह.
या नजरों। वो नीचे झुका और अफसोस भरी नजरों से देखा और हां में सर हिलाया कि उसके वालिद ने सही कहा। तो उसके वालिद ने अपनी बातों का सिलसिला जारी रखा। कहा उन्होंने, व्हेन यू से और डू थिंग्स इन एंगर, जब भी तुम कुछ कहते हो या करते हो गुस्से में, तो उस वक्त क्या होता है? दे लीव वुंड्स जस्ट लाइक दीज होल्स, तो उस वक्त एक जख्म बन जाता है इन ठीक इन सुराखों की तरह। ठीक है, लीव वुंड्स यानी जख्म बन जाता है, जख्म रह जाता है इन सुराखों की तरह। यू मे अपोलोजाइज, तुम चाहे माफी मांगो और फील सॉरी, गिल्टी फील करो या फिर अफसोस जाहिर करो, 1000 times, हजारों बार चाहे तुम माफी मांग लो या उदास हो जाओ या अफसोस का इजहार करो, लेकिन क्या होता है? बट द स्कार्स यानी जख्म का निशान विल नेवर गेट वाइप्ड आउट। जख्म का निशान जो रह जाता है उन बातों का, तो वो कभी नहीं मिटता। ठीक है, जब भी हम किसी को गुस्से में, जब भी हम गुस्से में कुछ करते हैं या किसी को कुछ कहते हैं, तो उन बातों का एक निशान रह जाता, एक जख्म बन जाता है। और हम चाहे बाद में एहसास नदामत हो या फिर हम अफसोस करें और माफी मांगे, लेकिन फिर भी वो निशान, जख्म भर जाता है लेकिन उसका निशान रह जाता है। ठीक है, तो हमें इस बात से परहेज करना चाहिए कि हम गुस्से से किसी को कुछ ना बोलें या गुस्से में कोई ऐसा काम ना करें जिससे तकलीफ हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंगर इज हार्मफुल, कंट्रोल इट। गुस्सा नुकसानदा है, हार्मफुल यानी नुकसानदा, कंट्रोल इट, इस पर काबू पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपने जरूर सबक सीखा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप इसी तरह की वीडियो देखते रहें। शुक्रिया।